हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अरे ये बंदर होने लग रही तैयार। आज घर हो जाएगा खाली। मेरी दिन में सब देख रहा हूँ रेलवे स्टेशन पर के वो पैर ले ना सारी हवाले कट जाएगी। क्या एक रहा थैली का चप्पल वो रखी थी रवा थैली वाह उसकी किसी यो बैग खाली रहे तो और भी थैली है उस थैली में गणिये नहीं है। हाँ तो डोड़ इस तबूज तेरे तो क्या बज गए पौने पांच हो गए है लिकड़ लो थारे सिंगार हो लेते उस समय का ले दू जाएंगे चप्पल उड़े हम तो लिकड़ जाएंगे कोई ना होंगे हम तो लिकड़ जाएंगे तेरे ना स्वाते ना हमें जाओ हम तो तो भाई अभी ऊपर जावा हाइव तो मम्मी मन छोड़ का आवे है और प्रिंस और छोटू पहला जा लिए पापा के गेला मैं मम्मी जान ला गई है स्टेशन पर। फिर हम 12 बजे तक यूपी पहुँच ले हो गए। फिर पहुँच कर फोन करा गए बतावा गए ठीक है। फिर मम्मी आपने बता दी होगी या क्यों करेगा हम लोग चल दे दिया फोन दे दिया मन्ने तो ठीक सर ना करे तो कोई बात ना तेरा पापा बता देगा। चलो बाय। अरे वो डेबिट नहीं करेगा चपरे करा था फोन जब छोटू करा या कौन चिट्टा का ये बात है पूरा चिट्टा का भी ध्यान रखना कि आड़ा का सब दी तेरी बताऊं गोबर फेंक दूंगा तुम्हें गोबर मैं फेंक दूंगा उड़ा गोबर मैं ना तनुड़ा फेंक दूंगा गंदा मैं देखा दी पब्लिक खाली होगी यार चिट्टा का भी है यार याद है यार कितने भी खड़े ना और आने तो सारे उधर शांति खड़े हैं कर ले मम्मी बंद है कोई तर जाए पाछा फोन करेगा बेटा वा तो माल गाड़ी है मैं क्या कहा कौन का माल गाड़ी माल गाड़ी या भी माल गाड़ी है प्रिन ने भी वो माल गाड़ी आई है थारी बा होगी मैं तो भी दे दिया गुरुदान में तेरे तो ज्यादा नहीं चल 25,000 सब के 5-6 बजे आओगा ये हाँ याड़े खड़े रहो आड़े तो एंट्री कर लियो बेटा अपने आराम से अगर ला खाली हो जा कर तू देखिए फिर चलो आगे चलो भाई आ गई सोचेंगे कि नहीं पाँच छः चलेंगे चलो फिर थोड़े थोड़े सरक दी और यारे तो पकड़ लियो कौन सा हाँ तो उसमें क्या हुआ है बात गेट खोला पाओ उसमें गबड़ लियो अपने यार फिर अब सच लकड़ जियो ये तो यार शर्प पे आ ली फिर ना चढ़ा ना होता हूँ मैं जा कर रहा हूँ जो कर तू एसी डिब्बे में तो जंगल में जाएगा ना तो भीड़ इतनी जाएगी टॉयलेट में खड़ा रहेगा
फिर चढ़ जाओ तब ना चढ़ा खाए जाऊंगी मैं भी जाए ताई खड़ी हूँ और मैं एक पता स्पीड भी कम ना हो रही है एक तो यो हद है भरा एक डिब्बा है साथ में लुगा थे चार पाँच है पाँच छः न पाओगे हाँ अपना आराम तो चढ़ जाइयो बताइए सी ए चल रही है कैंटीन ए देओ रे अड़ सही है चढ़ो 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 आड़े कहे देओ भाई खड़े आड़े कल्ले बढ़ लियो बढ़ लियो बढ़ लियो बढ़ लियो कोई भी नहीं है बाज लियो ना गए हैं प्रिंस को इतना आराम तो चढ़ गए हैं कौन है यो तो चल पड़ी है ट्रेन और बच्चे बैठे हैं बाय बेटा बुरा हाल हो रहा है पता नहीं सीट तक कहाँ जाकर मिलना है इन्हें तो चलो अपन भी घर पर चल पड़ते हैं अब ट्रेन भी चल पड़ी है तो बच्चे छोड़ दिए हैं खटखड़ साहब पहले चले गए थे और मैं अब निकल रही हूँ तो चलो आपको फिर घर पे जाके मिलती हूँ ओके बाय गाइज तो गाइज मैं छोड़ आई थी बच्चा ने खटखड़ साहब मेरे तब पहला लिए थे तो कर लेती हूँ अपना काम आज दूध भी मैंने ही लाना पड़ेगा सारा डायरेक्ट आना है क्योंकि दूध दाद का जो भी काम वे करा करते वो सारा ही मेरा हो गया तो ये सारा काम निपटा गया फिर मिलती हूँ अपने घर पहले झाड़ू कर लूँ फिर आधी झाड़ू हो गई फिर दूध ले आऊँगी आधी फिर निपटा लूँगी तो ओके बाय तो गाई जब कर लेती हूँ दूध गर्म झाड़ू तो सारी का निपटा ली है दूध गर्म कर लूँ दो चार बर्तन हैं वे साफ कर दूँ और एक कॉफ़ी और बना कर लूँगी बस बर्तन तो ये दो चार सुबह बाहर गए थे जब उन टाइम के कॉफ़ी पीनी थी तो एक बार कॉफ़ी बना लूँ फिर गैस गुस साफ करके फिर ना दो का जोत बत्ती का निपटा लेंगे तो फिर मिलती हूँ आपको बाद में आज हो गया अगर खाली क्योंकि छोटू भी गया प्रिंस भी गया पवित्र भी गया तो तीन तीन बंदे वैसे चले गए हैं देखो कई दिन माओगे दो चार दिन माओगे या पूरा हफ्ता ही करकाओगे नालायक तो गरकति खाली खाली सा हो गया है तो चलो ठीक है पहले कॉफ़ी बना लो उसके बाद मैं फिर देखती हूँ आपसे फिर बाद में मिलते हैं ओके बाय तो गाइस जी एक बार गैस साफ कर दूँ और उसके बाद में फिर आटा उट्टा लगा कर रोटी बनाऊँगी फिर एक बार मैंने माफी गिला जाना है तो एक बार जोत कर रहा था टाइम तो सोचा इतने गैस साफ करके रोटी बना लूँ अपनी यार खटखड़ साहब की एक काम निपट जाएगा फिर एक बार माँ गिला जाना है उसकी कोई स्कूल की फ्रेंड है तो गैस ब्रेंड एक्सपायर हो गए थे तो माँ अभी गए नहीं थे तो आज कहने लगे तो मैं कहा चल ठीक है जाए आवेंगे तो फटाफट बस काम निपटा दूँ और जोत बत्ती लगा कर इतना जोत बत्ती का टाइम है इतना अपने रोटी बना दूँ आलू की चटनी बना देंगे तो दो जने हैं मैं खटखड़ साहब फिर वो खाएंगे जिस टाइम खा लेंगे बाकी मैं बना दूँगी जाना है तो अपना एक बार जल्दी जल्दी काम निपटा लें Thank you.
तोरा फोन करा था, वे भी दिल्ली पहुंच लिए हैं, पहुंच जाएंगे 12 बजे इसी ताई। और एक बार बस फटाफट निपटा लूं, क्योंकि माँ ने तो पहला निपटा ले हुए हैं, पहला फटाफट निपटा के फिर बैठ जाऊँ ना बासण देगी कि इतना दो आदमियों की रोटी बनानी है, इतना एक काम मेरा है, इतना है उनका है, क्योंकि वे भी दुआई जड़े हैं। तो फटाफट ताकि माँ की डांट ना पड़े निपटा लें, तो फिर मिलते हैं आपसे। ओके बाय गाइज। तो गाइज घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा चल इतना थोड़े से घूम आवें, क्योंकि आज बच्चे हैं नहीं और आज तो बस पड़े 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 बोर हो गए हैं। थोड़ी सी देर माँ गिला गई थी, फिर 2 बजे सी आ गई थी, जबकि आज तो क्या बजे ही, क्या बजे नहीं की 6:37 नू ला ले 2 बजे तो लेकर ही का टाइम ही सा लग गया है, जून तो कई सवेरे तो लेकर नहीं ताई का टाइम बिता। तो अभी घूमने आई थी, इतने फिर घर आ जाओगे उल्टे तो जोत बत्ती का टाइम हो जाएगा हमारा, चलने की बिटा हाड़े तो उल्टे उल्टे में आगे ना गाड़ी भी खड़ी है, फिर रोड पे आप एक ले आ रही ना तो नानी यार, अरे एक आधी लुगाई और जाती दिखे तो उड़ने उन्हें आगे चले जावा ही ना, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। ये देखो बारिश का पानी, कितनी बारिश हो रही है फिर भी बेटा कोई और ना आती ना इधर। तो अब हम वापिस घर की तरफ चल पड़े हैं, एक राउंड लगाना था ना उड़े तले काड़े ताई 2-3 राउंड लगा लेंगे, खेत के खेत शहर का शहर, हम शहर में रहे हैं गम्मा आड़ा मजा भी ले रहे हैं, हर शहर आड़ा भी चलो ठीक है, मेरे बच्चे ने बताना ही पड़ा है मैंने के बोलना है के नहीं बोलना, क्योंकि मेरा फिर गुस्सा उठे पछे मेरा ध्यान नहीं रहती। आज मैं जाकर बोनी के अंकल गेला लड़ूंगी, क्योंकि अकेले है ना, तो प्रिंस वो इतर तो जा रहे हैं, तो आज खटखट साहब के साथ में फाइट कि रोज किसने किसी के जी दुखी हो गया था, मेरी एज की थी। आप तो घूमना आए थे आंटी, क्यों होया भाई चक्कर सा फील हो रहा है 2-3 राउंड लगाने थे एक मैं बस ये माँ जी भी ना लग रहा क्यों प्रिंस वो इतर छोटू सारे तो गए घर खाली हो गया मेरे ही, वो तो 2-3 घंटे तेरी नानी के लावाड़े चली गई, वाड़े चली गई थी तो वाड़े भी वो लेडीज बिल्कुल मेरी एज के थे जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, मतलब इस अजी कर उनकी गिल्ला ही बैठ करो रोका ही के मुँह आएगी मेरे पे बस वही बात है, बोला रोया जाता ना कसर रहती ना बस उसका चेहरा नू माइंड किया गया, वो इतनी नर्वस थी किराए पर हूँ बेचारे ना गम मकान ना प्रॉपर्टी कुछ भी ना ना जॉब, बस वह 10,000 की जॉब करा किराए पाऊँ हूँ, एक की सासू उसका छोरा हुआ। आपको ये चीज़ ब्लॉग में नहीं बोलनी चाहिए, अगर वो लड़की आपके ब्लॉग देखेगी तो वो देख लेगी, मतलब ऐसे इंसानों की है ना हेल्प करनी चाहिए, और उसने भी मतलब रो रो कर अपनी आँख खराब नहीं करनी चाहिए, उसने अपनी हिम्मत करके अपने बेटे के गिला कंधे कंधा मिला के इंस्पायर उसको, मतलब नहीं रोए तो कुछ नहीं होता, देख मैं तेरे मामा मरे मैं इतनी रोई क्यों होया कुछ भी नहीं, वापस नहीं आए रेगुलर, मतलब यो फील हुआ है कि मेरा भाई ही आया ई बोला ई बोला, पर जाना वाला कदे उल्टा नहीं आता, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, पर एक हिम्मत भी रखनी जरूरी है, मैंने अपनी लाइफ तो यो सीखा ना, तो मैनू पड़ी रहा अगर थी प्रिंस ठंडते फिर पड़ जाती जो कहीं पड़े है ना, वैसे है ना भगवान ने मतलब जवान 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 ये बिल्कुल भी सोचना चाहिए कि मतलब उसका परिवार है उनकी जिम्मेवारी पूरी होए पीछे, वो 60 की एज तक जब ऊपर हो जा 70 की तय मान लो उनके बच्चे लायक हो जा कमान लग जा जब बेशक चले जाओ
पर जब स्त्रियाँ जा है वो टेंथ क्लास में उसका लड़का, तो वो बेचारी कितनी के सोचेगी किस स्त्रिया की करेगी भाई, इतनी कन्फ्यूज हो ही बैठी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए हर किसी लेडीज ने। बस जो भी चीज़ आज के लिए इतना ही होता है, कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय। कल की बारिश तो रोला तो देखो अब बिरसम कोई बता दे अड़े बिरसम था हर वो वहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ का भी कितना बुरा हाल हो रहा है। राम जी भी कति और देवे वाले गेहूँ तो कति से लागते उन्होंने किस में भी गेहूँ थे शामी वाले में सला गुजनू काट रखे है ना। हे भगवान बरसन के टाइम पर बरस है नहीं अरे बोले और पटक धरती है ये भी कहना तो है ना। मेरे हिसाब से तो कितना खेती मुश्किल रह रही है ना, तो सारे एक कती सी कर दी अब बस बुरा हाल बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये कहते गेहूँ वाई बात बोला खाणता ही के बिना छोड़े राम ने। तो माँ 2 बजे लेकर किसा लग गया घना कमल कोई ना तड़का हाट दूंगी 2 बार खेले दोनों बार माँ के बाजी दे दी मैंने। एक बार तो माँ की एक भी नहीं पुगी थी, के अंदर 2 पुगी थी है माँ। हाँ हाँ स्वाद आ गया नुकर के करो जी आप तो दिखते हो कोने मेरी माँ तो फिर भी थोड़ी बहुत दिख है लाइट ना चा से रखी। चलो ठीक है माँ जो जात ला ले मैं भी ला लूँ। चल तन्ना तो आज रोटी बनाई नहीं, तू तो कुमारा जी मन जाएगी कुमारा कर जाएंगे। ठीक से किसका वो ब्याह ना है छोरे का, तो वो उड़ बेरा ना महीने का होया है तू बेरा नहीं के कर रहे हैं छोरे का कुछ कर रही हैं उनने का तो मां जावे है ओहो उनने का जा ब्याह ना है तब माँ तो उनका जी में आएगी। बाबू ने भी ले जाइए मेरे ना एक देख ली खाया हुआ है चूल्हा ना उठा ना हाँ फिर चूल्हा और उठा के ले जाइए चूल्हा तो धरा रह गाड़े बेचारा वो भूखा रह जाएगा नोत नोत आवांगे। अच्छा फिर ठीक से कित गया याग ता दम छोड़ गया प्रिंसर गेला बड़ा ठाठ ले रहा था पीछे जाल में देख लो या फिर ये पाऊंगी इब्रो जाग से लगवान लाग रे कह दिन हो लिए बड़ा बड़का का स्वाद ले रहा था जाइयो रे आग छलका गईयो कवरियो हैं आज तो नानी ने भी स्वाद आ गया तड़के दूध ले बाजी ना तो ले थी डोली टांग दे थी नानी दूध तड़का उठ लिए 6:30 बजे कै बजे जागा फिर तो मेरा बाबू जाते चल पड़िए दूध लेन। ठीक से कोने गेट खुला है नो एंट्री का बोर्ड लग गया हाय राम रे मेरा भी जोत बत्ती का टाइम हो गया ले अपनी जोत जात लगा ले मैं खटखट साहब अपने ओके की आग बनावे हैं जोत लागा फिर बैठेंगे थोड़ी देर इतने इनके ओके की आग हो जाएगी है गुड़कते ठीक से हाँ तो धुआं कर दे फिर आप चली जाएगी सारी खेदवा ये भी बारिश करी है ये ओबर सारा खण लाग रहा तो गाइज दूध गर्म कर रही हूँ जमण देन ताई और फिर बनाऊंगी आटा और मेरी और खटखड़ साहब की रोटी इब पीण लाग रही हूँ का पूछती हूँ थोड़ी देर में या इब हाँ जी चौधरी साहब रोटी इब अग डट का थोड़ी आप बता दो जनू को गए और आधा पौना घंटा रुक जा तो आधा पौना घंटा और रुक कर फिर बना दूंगी आने दोनों आएगी बनानी आज तक अरे जा अपना भूख लाग रही हो तो इब्बा बनाऊं
बना लिए इबे बनाऊं या डटके बनाऊं मतलब ठीक तो जवाब नहीं देना ठीक है तो सुबह बनावेंगे आज आप ठीक है यही वो डाने की टाल मार दी मैं रहन दे तेरे तो तेरे बालक थोड़ी भूख बर्दाश्त कर जा तेरे वो भूख उठ जा पेट मांडने के चूहे कूद तेरा इतना सो भी ना गा बड़का बिना किसा लग रहा आज अच्छा मेरी कलेश तो शांति हो रही है मतलब बाबू बेटा है मेरी कलेश गणी खटका है ना तम तीनर मैं एकली बता किसकी टीम फालतू मेरी इतनी मुंडी शक्ल है मेरे तो इतना डर लग है मेरी फुफस को ना बूझ कर देखे कितनी प्यारी लागू थी मैं ठीक है ओहो बड़े गाने सुने है बढ़िया एक बार आरती होगी खत्म रहो भाई तू चुप हो जा तो बाबा श्याम जी की भी जोत अपन लगा दी है दर्शन कर लो और जय श्री श्याम तुलसी मैया की निमटा दी है ई ऑल आउट ईब चलाई है मैंने पहला ऑल आउट बंद कर रखी थी मैंने बंद करी थी और ये तुलसी मैया की और अब आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड फिर मैं खटखट थोड़ी देर में रोटी बना कर खा लेंगे आज तो बड़का बिना कति सुना सुना हो रहा है और मैं खटखड़ के जी नकलेस करूंगी ये छोरा का सारा इससे पछो तारना हमने मेरी सासू गे बताइयो किस किस ने अपनी बहू तो इतना डर लग गए है जितना वो बतावे है और देखियो गौर से इस चेहरा देखो इसने इतना डर लग गए है इतनी बड़कर हूं मैं सच है इतनी बड़करू हूं आपका हैं जाए ताई कल तप चढ़ गया तेरे तो डंगता है मेरी सासू के कौन मारे सैटो डंग तो पता मन कौन सीट मार दी बकवास कर रहा और दो कासण होंगे घर में तो खड़का ही बीगे ले बोली मैं पड़ोसी अकेला लड़न जाऊं हैं तेरी अकेला लड़ूंगी कोने बख्शूं जहाँ गलत होगा वहाँ मैं कहीं किसी को नहीं बख्शूंगी पहले गलती करूँ नहीं यार पाछा बख्शूंगी ठीक मेरा दूध गर्म हो गया होगा मैंने बातें मत ले मेरी सासू का गोलगप्पे तो और काम नहीं होगा पड़े जागा भी फोन में पड़ जागा थोड़ा सा ज्यादा ही गर्म हो गया हल्का सा ठंडा बोलन दे और सुना दे डबी दुखी आत्मा ओ दुखी आत्मा के ठीक है टाइम पास हो जाएगा मेरी गेला लड़के जी लाग है बिना लड़े मैं गोड़ने थोड़ी ही सियाण बनने बैठ जाऊं जब तक बाबू बेटा कित गई हैं दोरा उन्दे बला लड़े है तुम भी कमाल के हो हैं ओ मेरी सासू के गोलगप्पे मैं सारे में छोटा बच्चा नहीं हूँ घर में
गौर से देखो इस चेहरे को, मैं अपने घर में सब तो छोटा बच्चा हूँ, है ना खटखट साहब, रुसण में लड़न में है ना, इन दो कामों में हूँ ना। और मैं रूस जाऊं जब यार इतनी सस्ती, किसी की बहू मान जानती होगी कोई कितनी है महंगी मिठाई खाओगे, मैं इतनी सस्ती तो मिठाई खाऊं पेठेगी, 10 रुपया के गोलगप्पे में त्री गेला मान जाऊं, बताए बड़का वर्गी बहू नहीं ले रहा है तो फिर खवा लिया यार, गणी दिन हो गए तो सच में एक आदि वो तो खाए लेने चाहिए, कद खाए थे मन्ना और पवित्र ने खाए थे, 1.5-2 महीना और हो रहा है, 10 रुपये के 10 के मन्ना 10 के पवित्र ने, फिर इतनी कित खाऊं, मैं तो घर आए बना लूं है कादी बपूरी पराठे बार का ती सम के मैं खांदी है को नहीं, आज तो मेरी दवाई भी शुरू करूंगी, मैं भी बंद रही 10-11 दिन दवाई बंद रहेगी मेरी। लो जी मारे खटखट साहब का उक्का गड़ गड़, इन बूंदा तो मच्छर गणे हो गए, पहले कत्ती शांत हो रहे थे मच्छर सारा हो रही है बूंद, जब बूंदा तो होएगा पानी बाहर खड़े होगा। तो गाइज ब्लॉग करते हैं समाप्त आज के लिए, शुभ रात्रि, लाइक कमेंट और शेयर कर देना और बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, बाय कर दो खटखट साहब बाय, आज तो मेरा बेटे तो है नहीं, आज तो खटखट साहब पे करवाऊंगी करियो ओए गोलगप्पे बाय कर देना, फिर कहेगा मैं तरीके ला लड़ पड़ूंगी, ठीक सर बाय, हाँ करियो भाई शेयर कमेंट इसका ब्लॉग, सब्सक्राइब भी बोल दिया अगर, मैं भी बड़का पे सीखने लग रही हूँ, हम दोनों के एक रहे एक से हमने ज्यादा ज्ञान को नहीं, नू हाँ बालक बता दे मम्मी नू बोल ले नू बोल ले हैं जी, दोनों एक सेम जब बात हमारी हमारी लड़ाई भी तनियो हुआ है ना, आप कर दे देखन सब्सक्राइब भी कर दे और की, चलो ठीक है तो बाय, शुभ रात्रि।